गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास थर्ड में सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 49 पढ़ना है, जिसमें पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ए रेक्टेंगल हैज डैश साइड। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ये सब क्या, इसमें 4 साइड होते हैं। यानी कि 6 का ए में ए रेक्टेंगल हैज डैश साइड, यहां पे लिखेंगे 4। बी ए स्क्वायर हैज डैश साइड, 4 साइड। सी ए ट्रायंगल हैज डैश साइड, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। ए रेक्टेंगल है डैश कॉर्नर, तो रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर होते हैं। ई ए स्क्वायर है डैश कॉर्नर, स्क्वायर में भी 4 कॉर्नर। ए ट्रायंगल है डैश कॉर्नर, तो ट्रायंगल में 3 कॉर्नर। The opposite side of a rectangle are dash. The opposite side of a rectangle are क्या होते हैं, equal. H. All side of a square are dash. The all side of a square के क्या होते हैं, equal होते हैं। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 7 नंबर ध्यान से देखिए। चूज द ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर एंड सर्कल फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग फिगर। 7 का ए, यहां पे फिगर दिया हुआ है, इसके नीचे इसमें कौन रेक्टेंगल है, कौन स्क्वायर है, कौन ट्रायंगल है एंड कौन सर्कल है, इसको क्या करना है, इसके नीचे इसको इसका नाम लिख देना है। यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं और सबका नीचे नाम लिख दे रहे हैं। यह क्या है, स्क्वायर। यह सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गया। 8 नंबर, राइट द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहां पे 8 का ए में एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसमें इस फिगर में कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, उतने का क्या करना है, उसका नाम लिख देना है, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो 1 2 एक बड़ा वाला, 3 इधर, 4 एक सबसे बड़ा जो है क्या है, 5। यहां पे लिख देंगे 5। सेम वैसा ही 8 का बी में और सी में ट्रायंगल को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है और उसके नीचे लिख देना है कितने ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे रेक्टेंगल का एक फिगर बना हुआ है, इसमें कितने रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखिए 1 रेक्टेंगल, 1 यहाँ पे 2, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल कितना है, 3। 3 रेक्टेंगल है इसमें। सेम वैसा ही 9 का बी में क्या करना है, इसमें कैलकुलेट कर लेना है, आप लोग काउंट कर लीजिए इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप लोगों का ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसका आप लोग शेयर कर लें और इसको घर पे एचडब्ल्यू में क्या करें, इसको बनाएं। थैंक्स।